अनुपमा, हमसे ज़्यादा तो आपको ज़रूरत है इन सारे फ्रूट्स की। ये तो कर देंगे आपको रिचार्ज, क्योंकि आप करती रहती हैं भाग दौड़, इसलिए आपको ज़रूरत है उस एक्स्ट्रा एनर्जी की। वैसे देखें आज क्या है अनुपमा का हाल। एक तरफ चल रहा है सिंदूर का ड्रामा, तो दूसरी तरफ टूट गया है बापूजी का दिल। भाई आज अनुज ने सबके सामने ये बता दिया है कि अनुज का प्यार अनुपमा के लिए एक तरफा मोहब्बत है, अनुपमा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और अनुज ने लीला को दिया मुंह तोड़ जवाब। इसमें गाड़ी सिर्फ एक ही तरफ से चलती है, वो भी प्यार की और वो भी मेरी तरफ से। अनुपमा की तरफ से ना कभी मेरे लिए कुछ था और ना कभी होगा। बा वैसे सीरियल में लीला की इस हरकत की वजह से बापूजी उदास हैं, और ऐसे में अनुपमा और अनुज उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आज वॉक के लिए मौसम परफेक्ट है। हाँ, और आज तो नया साल है, तो नए साल में इतनी शुरुआत करेंगे। बापूजी उठिए, चलिए उठिए बापूजी। इसीलिए अनुज और मैंने सदा सिंगल्स क्लब की लाइफ मेंबरशिप ले ली है। सदा लाइफ में चिक 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 चाहिए। एक काम करते हैं, वॉक के बाद रबड़ी और जलेबी खाएंगे, क्या है? हाँ मान। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा और अनुज बापूजी को हंसाने की, उनका मूड ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। असल में बापूजी को लगा है जोर का झटका, क्योंकि लीला ने बापूजी को सुनाई है खूब खरी खोटी, जिस वजह से बापूजी का दिल टूट गया है और वो सदमे में है। इतने सालों के बाद इतने बच्चों को, वाइफ को, अपने अपने पूरी फैमिली को इतना चाहने के बाद, इतना प्यार करने के बाद, सब कुछ नौछावर करने के बाद अचानक कहा जाए कि आपने कुछ किया ही नहीं। भाई अनुपमा और अनुज के साथ साथ जी के भी इस कोशिश में जुट गए हैं और बापूजी को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बापूजी के चेहरे पर बस उदासी ही छाई है। अब देखना होगा कि कैसे अनुपमा और अनुज मिलकर बापूजी को मनाते हैं और लीला और बापूजी के रिश्ते को सुधारते हैं। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।